बड़ी खबर इस वक्त की जौनपुर किराकत से आ रही है, जहां किराकत कोतवाली क्षेत्र के सोहनी गांव में सोमवार की सुबह खेतों में ग्रामीणों ने अधजले शव को देखा तो शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण वहां जुट गए। फिर मामले की सूचना पुलिस को दी गई। बता दें कि सोहनी गांव में अज्ञात युवक की ईंट से कूचकर हत्या कर दी गई और शव को जलाने का प्रयास किया गया, लेकिन किसी कारणवश आधे ही जले शव को अपराधी वहां पर छोड़कर फरार हो गए। मामले की जानकारी के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने लाश का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए जौनपुर भेज दिया। अभी तक युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। बता दें कि युवक के सिर एवं शरीर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए। मृतक की उम्र करीब 35 से 40 वर्ष के बीच में बताई जा रही है। हाथ में घड़ी, गले में सोने की चैन पाई गई। मामले के बाद बाबत किराकत कोतवाली लक्ष्मण पर्वत का कहना है कि युवक के चेहरे पर कई बार ईंट से वार किया गया है। उसे सड़क से घसीटते हुए गेहूं के खेत में लाया गया, जहां उसकी हत्या कर दी गई। पहचान छुपाने के लिए शव को जलाने का कुत्सित प्रयास किया गया। युवक के शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। जल्द ही मामले में संलिप्त लोगों की पहचान कर ली जाएगी। देखिए जौनपुर किराकत से शैलेश कुमार की रिपोर्ट। इस घटना के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक नगर जौनपुर डॉक्टर संजय कुमार ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। हम दम सोनी है, थाना किराकत की। उन्होंने अक्टूबर सभी राज्य थाने में दिया कि डेड बॉडी गेहूँ की खेती मिली है, उससे 47,000 से बिकर बॉडी को कब्जे पुलिस लेकर जो भी आवश्यक कार्रवाई जो की जा रही है पोस्टमार्टम करा के आगे की बात आपको बताई जाएगी। फिलहाल जो युवक है उसको आइडेंटिफाई कराने का प्रयास किया गया, तो आसपास के गाँव वाले अभी तक तो आइडेंटिफाई नहीं कर पा पाए हैं। संभवतः ये घटनास्थल भी नहीं है, वहाँ का कहीं से ला के रखा गया है। अपने यहाँ भी तत्काल होगा।